किरण जी, आपके पास आता हूँ। बेस मेटल्स पे ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे सर, कौन सी बेस मेटल्स पे फोकस है आज के सत्र पे? आप समझते हैं कुछ खरीदारी बनेगी किसी बेस मेटल कमोडिटी में? कॉपर शॉर्ट प्रेफर करूंगा, 335 337 के एरिया में, 344 का स्टॉप लॉस रहेगा और 325 327 का टारगेट रहेगा। आप बिकवाली समझते हैं कॉपर पे होती हुई नजर आएगी। रेस्ट ऑफ द प्ले निकल, लेड, जिंक, यहाँ पर क्या रहा है सर? यहाँ भी ओवरऑल व्यू मेरा बेरिश ही है, बट मोर कंफर्टेबल मैं कॉपर में हूँ। ओके राइट। इनफैक्ट नाने साहब, आपकी स्ट्रैटेजी बेस मेटल्स पे, कोई दो कॉमोडिटीज बताएं सर, बेस मेटल्स पे प्ले कैसे करें आज के लिए? आई थिंक मैं दोनों लेड और जिंक में बिकवाली का राय दूंगा और दोनों में छोटा सा स्टॉप लॉस है। अगर लेड के बात करें 122-30 का स्टॉप लॉस के साथ बेच सकते हैं, 129 का 119 का स्टॉप टारगेट रहेगा। और जिंक का जैसे 119-50 का स्टॉप लॉस के साथ बिकवाली कर सकते हैं और 116-30 के आसपास का टारगेट्स के लिए। किशोर जी, ग्वारगम पे बताएं स्ट्रैटेजी आज के सत्र में, जो बिकवाली बनी है ये और बढ़ेगी क्या? आई थिंक इसमें प्रेशर और रहना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर थोड़ा सा भी रैली मिलता है तो 3150 के आसपास मैं बिकवाली का सलाह दूंगा, अराउंड 3210 के आसपास का स्टॉप लॉस और प्रॉब्ली 3030-3025 के आसपास का टारगेट्स के लिए। राइट। चने में गिरावट देखने को मिल रही है, 50 रुपये के आसपास भाव टूटा आज दिल्ली में, और साथ ही साथ अकोला में भी भाव पे 50 रुपये की गिरावट, 4550 रुपये प्रति क्विंटल अकोला में भाव देखने को मिल रहा है। एनसीडीएक्स पे मामूली तेजी 14 रुपये के आसपास की, लेकिन स्ट्रैटेजी बिरेन जी कैसे रखनी चाहिए चने पे अभी? शॉर्ट टर्म बिकवाली की जा सकती है करंट लेवल से, 4410 का स्टॉप लॉस होना चाहिए और 4220 4250 की उम्मीद है, 10-12 दिन का ये पोजिशनल कॉल है। जी किशोर जी, मेरा सवाल अब जीरे पे आपसे होगा। ऊंझा मंडी में भाव अब 14,900 रुपये प्रति क्विंटल है, भाव में करीब 100 रुपये के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है, क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए सर जीरे पे गोइंग फॉरवर्ड? इनफैक्ट आज के लिए पहले तो ये बताएं स्ट्रैटेजी क्या रखें। आई थिंक वायदे में अभी भी तेजी का माहौल ही बना हुआ है और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे इसमें डिप्स में खरीदारी कर सकते हैं। 14,470 के आसपास में बाइंग का सजेस्ट करूंगा और 14,300 का स्टॉप लॉस के साथ, और इंट्राडे में प्रॉब्ली 14,700-720 के आसपास का टारगेट्स के लिए। राइट। एक और कॉमोडिटी जहां पर आज प्रॉफिट बुकिंग है वो है टर्मरिक। हल्दी में आज दाम गिरे हैं जयपुर में, माफ कीजिएगा, यहाँ पर जो आज हल्दी में एनसीडीएक्स पर ऊपरी स्तर पर दबाव देखने को मिला है, 0.1% के आसपास की गिरावट जो है वो देखने को मिल रही है। एरोड में भाव जो है उसमें 100 रुपये के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है, 8,700 रुपये प्रति क्विंटल का भाव है इस समय एरोड में। स्ट्रैटेजी क्या रखनी चाहिए बीरेन जी, क्या लगता है ये भाव अभी और टूट सकते हैं क्या? हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ 9,250-9,330 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, यहाँ शॉर्ट किया जा सकता है। 9,089 तक उम्मीद है, स्टॉप लॉस 9,500-9,450 होना चाहिए। आप मानते हैं बिकवालिया भी और बढ़ सकती है। किशोर जी, आपकी स्ट्रैटेजी क्या है टर्मरिक पे? मैं तो बाइंग साइड पे हूँ, अराउंड 9,080 के आसपास इसमें बाइंग करना चाहिए, 8,920 का स्टॉप लॉस और ऊपर में 9,330 के आसपास का टारगेट है। राइट। किशोर जी, सरसों पे क्या और बिकवाली देखते हैं होती हुई? हाँ, आई थिंक इसमें तो जो वीकनेस थोड़ा सा और एक्सटेंड हो सकता है, मेरे हिसाब से 3,935 के आसपास इसमें बिकवाली कर सकते हैं और 3,975 का स्टॉप लॉस के साथ और इंट्राडे में 3,870 के आसपास का टारगेट्स के लिए। बिरेन जी, करेंसी मार्केट पे क्या व्यू है अभी आपका? डॉलर रुपए इक्वेशन इस हफ्ते थोड़ी बिगड़ी है, रुपए की टर्म्स पे थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन ओवरऑल अभी ट्रेड कैसे करें करेंसी मार्केट पे ये बताएं। करंट लेवल से 6,765 के आसपास मैं मार्च कॉन्ट्रैक्ट सेल साइड प्रेफर करूंगा, 6,780 का स्टॉप लॉस रहेगा और 6,720 का टारगेट रहेगा। राइट। साथ ही साथ कुछ और कॉमोडिटीज जहां पर आज बिल्कुल रेंज में काम काज हो रहा है, उसमें मस्टर्ड शामिल है, यहां पर एक रेंज में काम काज हो रहा है, स्ट्रैटेजी क्या रखनी चाहिए सर? इनफैक्ट किशोर जी, मस्टर्ड पे आपका व्यू? मस्टर्ड में तो बिकवाली का राय दे चुका हूँ, 3,935 के आसपास का बिकवाली कर सकते हैं, 3,975 का स्टॉप लॉस और 3,870 का टारगेट। राइट। सोयाबीन पे आउटलुक बताएं बीरेन जी, आप क्या राय रखते हैं, क्या सोयाबीन प्राइसेस यहाँ से अभी और गिर सकते हैं? फिलहाल 37-27 के लेवल पे एनसीडी अप्रैल का, सोयाबीन अप्रैल का आपका जोर है? हाँ, थोड़ा भी इनमें भी गिर सकता है। मस्टार्ड के टूर में निकला हूँ और काफी क्रॉप डैमेज देख रहा हूँ, तो मस्टार्ड पे मैं हल्का सा बुलिश हूँ।
राइट, इनफैक्ट ये कुछ ऐसी कॉमोडिटीज जहां पर आज के सत्र में आप तेजी या फिर मंदी की कॉल्स बना सकते हैं। लेकिन अब बात करते हैं आज के रैपिड फायर कॉमोडिटीज की। किशोर जी, पहली कॉमोडिटी बताएं आज की आप। मैं आज जिंक में बिकॉली का सलाह दूंगा। मार्च फायदा अराउंड 118.40 पैसे के आसपास और 119.50 पैसे का स्टॉप लॉस और 116.30 पैसे का टारगेट। चलिए, जिंक में आप मानते हैं कि बिकॉली देखने को मिल सकती है और यहां पर अभी और दबाव देखने को मिलेगा। दूसरी कॉमोडिटी बताएं सर। क्रूड में भी बिकॉली कर सकते हैं 2510 के आसपास, 2555 के आसपास का स्टॉप लॉस और 2430 का टारगेट। राइट, किशोर जी बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए, कॉमोडिटी मार्केट पे अप्रोच बताने के लिए और रैपिड फायर कॉल्स बताने के लिए। बीरेन जी आपका भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए, कॉमोडिटी आउटलुक शेयर करने के लिए।